श्री बंगलामुखी स्तोत्रम वंदना हिंदी में जय माता की भावार्थ अमृत सागर में मणियों के द्वारा सजाए गए मंडप रत्न जटित वेदिका के मध्य में स्थित यौन सिंहासन स्वर्ण सिंहासन में बैठने के कारण पीतवर्ण हो गया है, जिसका तथा पीले वस्त्रों को धारण करने वाली आभरण एवं पुष्पादकों से शोभितांगों वाली शत्रुनाशार्थ जिसकी जिह्वा में मुद्गर रखा गया है, जिसने ऐसी ही उस देवी को मैं बहता हूँ जिह्वा के अग्रभाग को पकड़ लिया है, वाम हस्त से जिसने और दक्षिण हस्त द्वारा जो है गदा भी अभिघात करता है। इस प्रकार से जो है माता अत्यंत ही शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाती हैं। पीतांबर धारण करने से शोभाढ्या दो भुजाओं वाली भगवती को मैं भत्ता हूँ। स्वर्ण के कुंडलों के हिलने से बढ़ गई है शोभा जिसकी ऐसे, और उसके कपोलों से स्वर्ण चंपा पुष्प की दुति वाली चंद्रबिंब के समान मुख वाली यौन गदा की मार से नष्ट कर दिया है शत्रु की जिह्वा जीव को, जिसने ऐसे संचालन शत्रु की बाणी यौ मन यौ मुख का स्तंभन करने वाली बंगलामुखी माता का हम स्मरण करते हैं। सुधा सागर के मध्य में सुंदर अति सुशोभित रक्तमन कमल मंडप में स्थित सुंदर सिंहासन में शत्रुओं को सिरों को गिरा दिया है। इस प्रकार से जो है जिसने ऐसी प्रेतासना धिष्ठित स्वर्ण की सिंहासन प्रकाश युक्त शत्रु की जिह्वा को पीड़ा देने वाली गदा को घुमाती हुई माता भगवती का ध्यान करने से ही मनुष्यों की समस्त आपत्तियां क्षण मात्र में ही निश्चय करके विलय नाश को करती हैं, अर्थात नाश को प्राप्त हो जाती है। हे बंगलामुखी देवी, जो भी प्राणी आपके चरण कमलों के पूजन के लिए भक्ति एवं श्रद्धा से युक्त होकर बाएं हाथ में पीले फूलों की अंजलि ले मनोज्ञ मंत्र का ध्यान करता है और पीठ ध्यान युक्त सिंहासन का ध्यान करता है, कुंभक वश से जो है बीज मंत्र का स्मरण करता हुआ समर्पित करता है, उस समय के समस्त रिपुओं शत्रुओं की बाड़ी यौन हृदय में उसी क्षण में ही जलता आ जाती है। इस प्रकार से जो है हे देवी, आपके श्री चरण कमलों में स्नेह स्मरण मात्र से ही वादी जन शत्रु जो विपक्ष में विवाद करता है मूक हो जाता है, छित्रपति बड़े बड़े राजा भी रंग हो जाते हैं, अत्यंत उसमें अग्नि से शीत हो जाती है। इस प्रकार से जो है क्रोधी व्यक्ति शांति हो जाता है, दुर्जन दुरात्मा मनुष्य जो है सज्जन बन जाते हैं, शीघ्रगामी भी लंगड़े हो जाते हैं तथा गर्भीले का गर्भ चूर चूर हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, सर्वज्ञ भी जड़ हो जाता है। यह सब आपके नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित करने के अतियो हे लक्ष्मी, हे नित्य, हे बंगलामुखी, हे कल्याण करने वाली, तुझे मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। हे माता, आपकी स्तुति करने से जो है शत्रुओं का निश्चय ही विनाश हो जाता है। आपका स्तोत्र अत्यंत पवित्र है, आपका यंत्र वादी दल की यंत्रणा करता है, त्रैलोक्य को जीतने वाला आपका यह स्तोत्र वंदना अति विचित्र है और आपका यह अति ललित बंगलामुखी नाम से जिस जंतु प्राणी के मुख से निकलता है अथवा जो भी प्राणी इस मंत्र को कहता है उसके प्रतिवादियों के मुख का अवश्य स्तंभन हो जाता है। हे माता, दुष्टों का स्तंभन उग्र से उग्र विघ्नों का नाश कर देता है, अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाता है। दारिद्र हरण नरेश भयनाशन चंचल चित्त वालों का आकर्षण करो। हे जगत जननी, आपके नयनों की करुणापूर्ण अमृत की वर्षा होती है तथा वह सौभाग्य के एकमात्र भवन है। हे अम्बे, मृत्यु से हमें बचाओ, अर्थात हम शत्रुओं से बचे रहें और शत्रुओं का नाश हो गया, और इस प्रकार से आप जो है हमारी विनती को स्वीकार करिए। शत्रुणाम शत्रुओं का नाश करने वाली हे माता, शत्रुओं के दुख को नष्ट कर दो, उनकी जिह्वा को संकुचित कर दो माता, मुझ में सरस्वती का वास कर दो, बुद्धिमान शत्रुओं की बुद्धि यौन शीघ्र गति को यथाशीघ्र स्तंभित कर दो। हे देवी, अपनी तीक्ष्ण गदा से शत्रुओं को चूर चूर कर दो माता,
हे गौरांगी पीताम्बरे, हे करुणापूर्णेत्रे, हे भगवती, हे मंगलामुखी माता, अपने दो और सुख एवं ऐश्वर्य का संचालन कर दो माता। मातृ भाव प्रेत करो भवानी। हे भैरवी भद्रकाली विजेते, हे वाराही, हे विश्वासरे, हे लक्ष्मी, हे सौभाग्य, हे वाद्य, हे समय, हे महेश, हे बंगले, कामनाओं को पूरा करो। हे रामे, हे रमे, हे मातंगी, हे त्रिपुर सुंदरी, हे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम्हें स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष को देने वाली माता विश्वेश्वरी, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। अतएव करुणा कर हे देवी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से चौर संगे ग्रहण समय बंधने वरिमध्य विवादे विवादे विद्यावादे प्रकल्पना दिव्यकालीन छायां वस्ते वा अस्तमहे वा रिपु वध समय दुर्विवादे रणे वगच्छांस तिष्ठति इस्त्रकालं यदि पठितं शिव प्राप्नुया दुधीरा। संस्मरण मात्र से ही अर्थात स्मरण मात्र से ही माता चोर संघ में प्रहार के काल में बंधन में जन्म के बीच में विद्यावाद में अशास्त्रार्थ में विवाद में राजा से कुपित होने में रात्रि के समय में दिव्य अवसर में वशीकरण में अस्तम्भन में रिप शत्रु बध में निर्जन में वन में उठते बैठते जो मनुष्य इस त्रिकाल सूत्र का पाठ करता है वह धीर निश्चय ही कल्याण को प्राप्त होता है अर्थात उस प्राणी का सर्वदा कल्याण हो जाता है। हे माता, आप सब पर कृपा करने वाली हैं। जो व्यक्ति इस देवी के पवित्र स्तोत्र को बड़े आदर से पढ़ता है तथा इस मंत्र को बाहू में कर में या गले में युद्ध समय में धारण कर लेता है उसके राजा और मदांध हस्ती सर्प सिंहादि वशीभूत हो जाते हैं, शत्रु मोहित हो जाते हैं, लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। हे माता, तुम्ही परमोत्कर्षणी ही विद्या हो, तुम्ही त्रैलोक जननी एवं विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली समूहों को विच्छेदन करने वाली हो। हे माता, तुम्ही स्त्रियों को आकर्षित करने वाली तीनों लोकों के आनंद बढ़ाने वाली दोष्टों का उच्चाटन करने वाली प्रत्येक के मन को मोहने वाली जिन्हाम कीलन में निपुण हो। हे भैरवी माता, जिस प्रकार से ब्रह्मादिकों के मंत्र सर्वदा विजय को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से आप भी जो है विजय को प्राप्त होती है। हे माता, प्रत्येक मनुष्य विद्या लक्ष्मी सौभाग्य आयु पुत्रों पौत्रों और सर्व साम्राज्य सिद्धि मान भोग ऐश्वर्य वशीकरण आरोग्य सौख्य आदि केवल भगवती आराधना मात्र से ही प्राप्त कर लेता है अर्थात इस पाठ के करने से अर्थात हे जगत जननी माता, इस पाठ के करने से ये समस्त वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। हे देवी, हे परमेश्वरी, मुझे जप करने वाले के द्वारा जो कुछ किया गया है एवं कहा गया है उसे दुष्टों के निग्रह के लिए हे भगवती ग्रहण कीजिए। आपके लिए बारंबार नमस्कार है। इस स्तोत्र को ब्रह्मास्त्र कहते हैं, तीनों लोकों में प्रख्यात भी है, अतः इस मंत्र को गुरु भक्त के लिए प्रयोग करना चाहिए और इस जिस किसी को नहीं भाव यह कि यह स्तोत्र नास्तिक से न कहें। पीले पीले वस्त्रों को धारण करने वाली हे माता, दो भुजाओं वाली तीन नेत्रों वाली उज्जवल शरीर वाली शिला मुद्गर अपने हाथ साथ में धारण की करने वाली माता भगवती बंगलामुखी माता का हम स्मरण करते हैं। जय बंगलामुखी माता की जय।